हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की परीक्षा शुरू कर दी गई है। इसमें पहला पेपर अंग्रेजी का था। बच्चों के पेपर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो रहे हैं, जिसमें बच्चों पर कैमरे के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है। परीक्षा हॉल में अध्यापक मौजूद होते हैं, बच्चों को नकल से रोका जाए, जिसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बच्चों का कहना है कि जब पढ़ाई की है तो कैमरे और फ्लाइंग से किस तरह का भय। पेपर समाप्त होने पर स्कूल के अध्यापक वीना देवी ने बच्चों के पेपर देखे तो उन्होंने बताया कि जो भी प्रश्न आए थे वे सिलेबस में से ही थे, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं आया था। प्लस टू कक्षा बोर्ड परीक्षा के पहले दिन जिला बिलासपुर से 5000 से अधिक विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखा गया। बच्चों ने सर फ्लाइंग का बच्चों को ज्यादा असर ही था, बच्चों ने अपना काम किया, बाकी फ्लाइंग का। पहले दिन इंग्लिश का पेपर दे बाहर निकले विद्यार्थियों से जब बातचीत हुई तो परीक्षा हॉल से निकले हुए विद्यार्थियों के चेहरे भी खिले हुए लग रहे थे, जिससे प्रतीत हो रहा था कि इंग्लिश का पेपर आसान रहा। वहीं विद्यार्थियों से हुई बातचीत से भी यह खुलासा हुआ। इंग्लिश का पेपर था और पेपर बहुत इजी आया हुआ था, मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाया था। सभी बच्चे इंग्लिश के पेपर से बहुत डरते हैं, उसे कोई डर नहीं लगता, अगर हमने पढ़ा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर अमर सिंह ठाकुर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा पूरे जिले में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में बोर्ड के लगे परीक्षा के एग्जाम हो रहे हैं।